नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कई बार पसली में अचानक दुखावा होने लग जाता है, ठंड की वजह से भी होता है और भी कारणों से शुरू हो जाता है। कमर में दर्द भी इसी टाइप से व्यक्ति को रहता है, अतिशय दर्द। कई बार आप देखना, आप कितनी दवाइयां कराएंगे पर दर्द नहीं जाते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिलता है। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप करके देखिए, आपको परमानेंट आराम मिल जाएगा बिना किसी दवाई दारू के। आपको क्या करना है, नीम के पेड़ की एक लकड़ी तोड़ लेनी है, एक टहनी तोड़ लेनी है, और जब सूरज डूब रहा हो, सूर्य जब डूब रहा हो उस समय आपको सूर्य की तरफ देखना है कि हाँ, मतलब बिल्कुल डूबता हुआ सूर्य होना चाहिए। मैं आपको फिर से बताऊं तो थोड़ा ललचर हो जाए, डूब रहा है, उसमें रोशनी नहीं होनी चाहिए, उस टाइप का ठंडा सूर्य आप देखें। बराबर जब सूर्यास्त हो रहा है, जो हिस्सा आपके शरीर का दर्द कर रहा है, पसली हो या कमर हो, उस हिस्से को उस तरफ आप खुला करके खड़े हो जाए, खोल करके खड़े हो जाए, उस हिस्से को आप खुला रख दें। और जो लकड़ी है आपके हाथ में, उस लकड़ी को 21 बार जहां दर्द होता है उस पर से ऐसे ऐसे घुमा दें। ये बहुत जबरदस्त टोटका है दोस्तों। जब आप उसको घुमा रहे, ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, 21 बार इस मंत्र का जाप करें और 21 बार आप इसको घुमा दें। उसके बाद में उस लकड़ी को आप तालाब में या कुएं में फेंक दें, ये दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। करके देखिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।